अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टोकरी चाट की है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और ये देखिए, मेरे पास में 2 कप मैदा है, इसको मैं ले लूँगी। 2 कप मैदे को छान लूँगी अच्छे से। मैं पहले भी आपके साथ में रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ टोकरी चाट की, लेकिन वो मैंने आलू की बनाई थी और आज मैं दूसरी तरीके से बना रहे हैं। देखिए कंटिन्यू इसको। और ये मैदे को मैं ले लूँगी, 2 कप मैदा मैंने ले लिया है। छान लेना ज़रूरी होता है, और उससे क्या होता है कभी कुछ मैदे में या कुछ निकले तो फिर वो साफ रहेगा। इसके अंदर मैं ये 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिला दूंगी। मैं नमक ऐड करूंगी 1 टीस्पून। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ले लिया है, आप चाहे तो अरारोट ले लें। और इसको अब मैं मिक्सी में अच्छे से फेंट लूँगी, जैसे जिस तरीके से भजिए का आटा फेंटा जाता है उसी तरीके से। आप चाहे तो हाथ से डाल लें या मिक्सी में या फूड प्रोसेसर में, तो थोड़ा फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी तो जिसमें इजी रहे और जल्द से जल्द हो जाए। ये देखिए मैंने सारा आटा फूड प्रोसेसर में डाल दिया है, इसके लिए कि ज़रा जल्दी हो जाएगा और लम्स नहीं पड़ेंगे इसको करने से। आप चाहे तो मिक्सी में कर लीजिए और टाइम भी बचेगा। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, एक साथ में नहीं डालूँगी। 1 कप था तो 1/2 कप पानी डाला है इसके अंदर। ये देखिए अब इसके अंदर 1/2 कप और पानी डाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम स्मूथ आटा हो गया है और कुछ भी लम्स भी नहीं है इसके अंदर, और टाइम भी हमारा कितना बच गया है। अब ये आटे को देखिए 10 से 15 मिनट तक मैंने ऐसे ही डाल दिया था साइड में, और देखिए इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो गई है और इस तरीके से इसकी पहचान होगी कि ये बन गया है आटा। ये देखिए मतलब चम्मच के ऊपर कवर हो जाए अच्छे से। और चलिए फिर हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे क्या करना है आगे का प्रोसीजर। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है और ये चम्मच को मैं 3 सेकंड के लिए इसी के अंदर डाल दूंगी। चम्मच का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ठंडे चम्मच से बनाया तो नहीं बनेगा। ये एक दूसरा चम्मच भी है मेरे पास में, इस तरीके का चम्मच है, इसको भी मैं इसके अंदर तेल के अंदर डिप कर रही हूँ ये गर्म हो जाए। चम्मच गरम होने से जो आटा है वो उसके अंदर चम्मच के पीछे कोट करेगा, वरना अगर आप ठंडा चम्मच डालेंगे तो कोट नहीं करेगा। ये चम्मच गरम हो गया है और इसको तेल को पोंछना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इस तरीके से तेल को पोंछ ले। अगर नहीं पोंछेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, और बार बार जो मैदे में डिप करेंगे तो उसके वजह से पूरा मैदा भी चिकना हो जाएगा। मैदे को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, मेरे पास में जो साइज़ का चम्मच था मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास में इससे बड़ा साइज़ का है तो आप वो ले लिए, तो उससे आपकी कटोरी और बड़ी बनेगी। ये देखिए किस तरीके से ये कोट हो गया है। ये देखिए कैसे अच्छे से फ्राई हो रहा है, और इसको मैं अभी नीचे टच नहीं करूँगी, नहीं तो वो बर्तन में नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगा। थोड़ा हाथ में पकड़े रहूँगी। देखिए ये पकने के बाद में अपने आप से छूट जाते हैं। आप इसको थोड़ा इसमें डाल के रखिए, ये लाल हो जाएंगी कटोरी। मैंने दूसरा भी डाल दिया चम्मच इसके अंदर, और ये भी पक जाएगा इसी तरीके से। और ये चम्मच अपने आप ही छोड़ देते हैं लाल होने के बाद में। मीडियम स्लो रखिए गैस, बहुत फास्ट नहीं रखिए, बहुत स्लो भी नहीं रखिए, इसी तरीके से टेम्परेचर रहे तेल का। ये देखिए ये बन गई है हमारी टोकरी। आप जितना लाल रखना चाहे लाल रखिए। इसको मैं इधर निकाल के नैपकिन पे रख रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारी टोकरी बना लूँगी। चलिए फिर इसके चाट बनाते हैं। और ये देखिए मैंने चने हैं ना, इनको पानी में रात में सोख कर दिया था। ये काबली चने हैं, चिक पीस, और इनको मैंने हल्का सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था। 2 सीटी कुकर की बजा ली थी। और ये आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके लगा। थोड़ा ये प्याज कटा हुआ, चॉप किया हुआ प्याज है, ये थोड़ा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और ये एक टमाटर है जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं बीच में से, और छोटे छोटे पीस कर लिए। टमाटर सब डाल दूँगी। ये मसाले ले लिए मैंने, ये 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा है, और ये मेरा चाट मसाला होममेड है। इसके अंदर ये आमचूर पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून। इसके अंदर 1 पिंच मैंने गरम मसाला ले लिया,
हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया, फिर इसमें ऐड कर दूंगी इसको, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। खूब चटपटी चाट बनेगी, मज़ेदार, और ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, पुदीने कोथमीर की चटनी, ये भी मेरी घर की बनी हुई चटनी है। फिर इसमें ऐड करूँगी मैं होममेड इमली की चटनी, इसमें ऐड करूँगी मैं नींबू, बहुत ही मस्त चटपटी सी बनेगी। अच्छे से मिक्स कर डालूंगी, फिर इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, चलिए इसको टोकरी में ऐड भर देते हैं, फिल कर देते हैं टोकरियों में। ये टोकरियों के अंदर चाट में फिल कर दूंगी, रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, लाइक एकदम फ्री में है, कोई पैसे नहीं पड़ते, और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए रेडी हो गई चाट इफ्तार के लिए, आप लोग भी बनाइए और दुआ में याद रखिए। चटपटी चाट तैयार है, चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।